नमस्कार, आप देख रहे हैं जोधाना अब तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे। और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। बाबा रामदेव के प्रति ऐसी भक्ति, जोश, जुनून व भावना आपने कभी नहीं देखी होगी। पहली बार 1962 में प्रेम रतन ने अपने पिताजी के साथ बीकानेर से रामदेवरा तक का पैदल सफर शुरू किया था। उसके बाद से इस सिलसिले को अभी तक बरकरार रखते हुए बीकानेर निवासी प्रेम रतन पुरोहित अपने 74वीं पदयात्रा पूरी करके बुधवार को रामदेवरा पहुंचकर बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन कर पूजा अर्चना की। उन्होंने विश्वव्यापी कोरोना संक्रमण के खात्मे को लेकर बाबा रामदेव के समक्ष विशेष रूप से पूजा अर्चना की व प्रार्थना की कि उनका शरीर निरोग रहे तो वे अपने जीवन में 100 बार पदयात्रा करके रामदेवरा आने का अरमान पूरा करना चाहते हैं। रामदेवरा पहुंचने पर स्थानीय लोगों द्वारा उनका माला पहनाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। बता दें, ये 59 बरस में 18,000 किलोमीटर से अधिक का पैदल सफर कर चुके हैं। से पैदल प्रेम रतन पुरोहित सन 1962 से आ रहा हूँ बराबर, और ये 74वीं फेरी है मेरी। और बाबा से यही प्रार्थना करता हूँ कि बाबा इस महामारी को पहले सबसे पहले तो ख़त्म कर दो, आपका हमें दर्शन मिलता रहे। इस महामारी के कारण से हम आपके दर्शनों से वंचित हो रहे हैं। आपसे निवेदन है, आपसे अब हमेशा के लिए ये प्रार्थना करता हूँ कि आप इस महामारी को ख़त्म कीजिए। और हमारे साथी गण भी हैं, जो किसी की 30वीं फेरी है, किसी की 25वीं फेरी है, ये लोग भी मेरे साथ बीकानेर से पैदल आते हैं। और एक मेरे साथी थे पवन जी अग्रवाल, वो आ नहीं पाए हैं क्योंकि उनको बहुत बड़ी क्षति हुई है। ये सब बाबा की कृपा और बाबा की मेहरबानी, बाबा जाने हम तो कुछ जान नहीं सकते इस बात को। और बाबा से यही प्रार्थना है कि बाबा आप हमेशा, हमें पूर्ण भरोसा है कि आप भक्तों के पीछे हैं, भक्तों के साथ हैं, मगर फिर भी आपसे अनुरोध करते हैं बाबा, भक्तों पर दया करना।